सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अपनी जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत आज रोसो, अपर पिपली, लोअर पिपली, बेड़ी, कोहन, करनोहल, सजेवड़ी गांव में जन समस्याओं का निवारण किया। इस अवसर पर महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्य ग्रहण करने के साथ ही प्रदेश में सुशासन, समग्र विकास व जन सेवा के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। इस छोटे से समय में प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में ठोस शुरुआत करते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की जन समस्याओं के निवारण के लिए जनमंच का आयोजन प्रतिमाह किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सभी जनप्रतिनिधि संपर्क अभियानों के माध्यम से जन समस्याओं को हल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मपुर सहित पूरे मंडी जिला में बागवानी की काफी संभावनाएं हैं। बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बागवानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में गत 3 माह में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 55,000 फल पौधों का वितरण लगभग 2100 बागवानों को लाभान्वित किया गया है। बागवानी मिशन के विभिन्न घटकों जैसे मशरूम उत्पादन, हरित गृह, पक्षी अवरोधक जाली, बोरवेल इत्यादि में उपदान पर लगभग 55 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे विभाग की इन योजनाओं का समुचित लाभ उठा सकें। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बागवानों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के लिए जिला व ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने भ्राड़ी पिपली वाया बल भलासन संपर्क मार्ग के लिए 20 लाख रुपए, महिला मंडल दिव्या और महिला मंडल बल पिपली को 20-20 हजार रुपए देने की भी घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी।